गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 10 में मेरा हमारा तेरा तुम्हारा इस पार्ट को हमने सीखा था, है ना? याद है ना आपको? मेरा मतलब अपना, खुद का। हमारा मतलब हमारा बोले तो हमारे, मेरे आसपास का वो हमारा, और तेरा बोले तो सामने वाले जो रहते हैं ना उनका, फिर तुम्हारा बोले तो जो सामने वाले के साथी रहते हैं ना उनका। इसका मतलब यह है कि मेरा हमारा बोले तो, मेरा बोले तो एक वचन है और हमारा बोले तो बहुवचन है। उसी तरह तेरा बोले तो एक वचन है और तुम्हारा बोले तो बहुवचन है। इसमें एक वचन और बहुवचन हमने सीखा था। इधर देखो बच्चों, मेरा और हमारा में थोड़ा डिफरेंस है। क्या है? मेरा बोले तो एक ही आदमी का, एक ही होता है, तो मेरा एक वचन होता है। हमारा बोले तो एक से ज़्यादा, जो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, क्या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो बहुवचन होता है। मेरा एक वचन है और हमारा बहुवचन है। उसी तरह तेरा बोले तो जो सामने रहते हैं ना उनका, वो तेरा बोले तो वो भी एक ही होता है, इसलिए वो एक वचन है। और तुम्हारा बोले तो वो बहुवचन है, जो तुम्हारा बोले तो जो सामने वाले व्यक्ति रहता है ना। इधर देखो, एक लड़की है, एक लड़का है और एक लड़की है, ये दूर रहे तो, सामने रहे तो ये तुम्हारा होता है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, ये बहुवचन होता है। हमने लास्ट क्लास में यही सीखा था, एक वचन और बहुवचन के बारे में, जो मेरा हमारा और हमारे का और सामने वाले का सीखा था। अब हम अगला पार्ट के तरफ ध्यान देंगे। हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हमने जो इंसानों के बारे में, हमारे खुद के बारे में सीखा था, इधर पार्ट 11 में इसका, इनका, उसका, उनका बोले तो, इसका बोले तो इधर हमारे नज़दीक रहने वालों का, और उसका बोले तो वही, इसका बोले तो ये एक वचन होता है, इसका बोले तो यही इधर का, इधर रहने वाले का, इनका बोले तो वो बहुवचन होता है, उनका। इस शब्द कैसे प्रयोग किया जाता है ये हम अभी इस पाठ में सीखेंगे। तो पहला क्या है हम सीखेंगे, इधर देखो बच्चों, यहाँ घोड़ा है, यहाँ माने तो इधर, हमारे पास, हमारे नज़दीक। इसका रंग काला है, तो इसका बोले तो किसका, वो घोड़े का। उसका वो बोले तो ये वो एक ही वचन होता है और उसका होता है, ना कि दूसरों का। यहाँ घोड़ा है बोले तो इधर हमारे पास ही ये है, यहाँ बोले तो हमारे नज़दीक रहने का है, हमारे पास रहने का है, वहाँ बोले तो दूर रहने का है ना बच्चों? आपको पता है ना ये? तो यहाँ घोड़ा है बोले तो हमारे पास ही एक घोड़ा है, और इसका रंग काला है, इसका बोले तो इधर का, यही पर है ना वो, इसलिए इसका रंग काला है। काला मैंने तो पता है ना आपको रंग? इसका चेहरा सुंदर है, इसका बोले तो जो यही पर हमारे पास में है एक प्राणी, उसका। हम लोग यहाँ पर उसका नहीं प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, हमारे पास ही है, इसलिए जहाँ जहाँ यहाँ आता है वहाँ वहाँ इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग करना चाहिए। हाँ बच्चों, अब इधर एक आदमी का प्रस्ताव किया गया है, वो है, उसका नाम है सुरेश। सुरेश हमारे पड़ोसी है। इधर एक कले अपने पड़ोसी के बारे में कह रहे हैं, पड़ोसी बोले तो अपना घर के बाजू में ही घर रहने वाले, उनको पड़ोसी कहते हैं। इनका परिवार छोटा है, यहाँ इनका क्यों आया? क्योंकि हमारी पड़ोसी है, पड़ोसी बोले तो हमारे
नज़दीकी है, पास ही है, इसलिए इनका प्रयोग होता है। हाँ, इनका परिवार छोटा है तो इनके घर में थोड़े ही लोग हैं, इसलिए इनका परिवार छोटा परिवार है। और इधर इनका कपड़ों का व्यापार है, इनका बोले तो इधर ही हमारे पास ही रहने से इनको इनका कहते हैं, और इनका कपड़ों का व्यापार है तो इन्हों एक व्यापारी है, इनका एक दुकान है जो जहाँ पर कपड़े व्यापार किया जाते हैं। तो इनका कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, जो हमारे आसपास ही हो तो हम इनका यहाँ इन ऐसे शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। इधर देखो बच्चा बच्चे, इधर अब एक लड़के का नाम आया है, वो है नवीन। नवीन मेरा सहपाठी है। सहपाठी माने तो ये लड़का जो है नवीन, वो स्कूल में साथ में पढ़ने वाला लड़का है, तो उसका घर तो हमारे घर के पास नहीं होता है, ये तो हमारे इन इसका ये नहीं आता है, इधर शब्द प्रयोग नहीं होता है। उधर क्यों आया था बोले तो रमेश हमारे घर के पास ही थे, इसलिए उधर इनका शब्द का प्रयोग हमने किया था। मगर सहपाठी बोले तो वो सिर्फ स्कूल में ही साथ में रहता है और हमारे घर के पास में नहीं रहता है, वो एक सिर्फ सहपाठी है, तो एक मित्र है स्कूल में जो साथ में पढ़ने वाला लड़का है, उसका घर हमारे घर के पास है, तो उसका बोले तो वो अभी इसके पास नहीं है, वो दूर है, इसलिए उसको उसका बोल के हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। जो नज़दीक रहते हैं, जो पास रहते हैं, तभी हम इनका ये शब्द प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति हमारे पास नहीं रहता है, जो वस्तु प्राणी चीज़ क्या कुछ भी हो, वो हमारे जो पास नहीं रहता है, उस तब हम उसका इस शब्द का प्रयोग करते हैं। उसका भाई वकील है, तो किसका भाई वकील है, नवीन का भाई वकील है, उसका बोले तो वो अभी हमारे पास में नहीं है। बच्चों इधर एक चित्र है, इधर एक प्रसिद्ध व्यक्ति का चित्र है, ये कौन है आप पहचानोगे? हाँ सही पहचाना, ये है हमारे शास्त्री जी। शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। हाँ उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है। इधर हम उनका इस शब्द का प्रयोग किया है, क्यों किया है, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उनका, तो उन्होंने दूर है अभी नहीं है इधर, इसलिए हमने उनका इस शब्द का प्रयोग किया है। उनका जय जवान जय किसान का नारा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध माने तो अंग्रेजी में फेमस होता है, तो ये आप भी सुने होंगे उनके इस नारे के बारे में, जय जवान जय किसान। इसका मतलब है जवान हमेशा देश के लिए काम करते हैं, और किसान जो खेतों में काम करते हैं उनका उन्हों भी देश की प्रगति के लिए बहुत सा योगदान है, इसलिए इनका मानने का है कि जवान और किसान एक देश का प्रगति के लिए इनका योगदान बहुत मानता रखती है। अच्छा बच्चों, तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि इसका इनका कहाँ पर प्रयोग होता है, और उसका उनका कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसका इनका बोले तो जो हमारे पास रहता है उसका, और उसके संबंधित वस्तुओं का उनका, और उसका और उनका बोले तो जो हमारे पास नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, उन लोगों का और उनके चीज़ों के बारे में जो हम कहते हैं वहाँ पर प्रयोग करते हैं। देखो इधर पहले हम यहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं, उधर इसका और इनका प्रयोग करते हैं, वहाँ
कहाँ पर प्रयोग करते हैं? उधर उसका और उनका प्रयोग होता है। मैं सोचती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया। ओके बच्चों, बाय बाय।